नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ पांचवा जूलिया भाग एक लेखक परिचय देखने वाले हैं। इस पाठ के जो लेखक है अंतोन चेखव, ये मूल निवासी रूस के थे और नाटक लघु कहानी के लेखक रहे हैं। पेशे से डॉक्टर और शुरुआत में सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए लिखते थे। उन्होंने अपनी कहानियों में मनुष्य के भावों और प्रवृत्तियों को बखूबी पेश किया है। चेखव ने सैकड़ों कहानियाँ लिखी और इन कहानियों में कुरीतियों का व्यंगात्मक चित्रण किया गया है। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के अनुसार चेखव संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक रहे हैं और इनका नाम अंतोन पावलोविच चेखव है। इनका जन्म 29 जनवरी 1807 तागानरोग रूस का एक इलाका है वहाँ पे हुआ था और इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, ए डीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास है ये, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि, और इवानो, द चैरी ऑर्चर्ड आदि नाटक भी इनके रहे हैं। अब गद्य संबंधी, ये जो गद्य है ये प्रस्तुत एकांकी है और इस एकांकी में रचनाकार ने यानी कि अंतोन चेखव ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने हेतु जूलिया को प्रेरित किया है। यही इस जूलिया पाठ की कहानी है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक बहुत ही रोचक और आकर्षक है। अगले भाग में हम जूलिया पाठ को विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।